अभी बज चुके हैं 8 और 8 बजे आपको ऐसे यहाँ पे देखने को मिलता है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए सुबह सुबह दुकानें लग जाती हैं, ये फूल मालों की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और दोस्तों मैं नेपाल वक्तापुर में वो हर चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, जो कि गली गली के अंदर भी चीज़ें बनी हुई हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप बताने वाला हूँ आपको, पूरी जगह को इसको एक्सप्लोर करने वाला हूँ मैं, पूरा दिखाने वाला हूँ आपको कि यहाँ पे क्या क्या हम लोग घूम सकते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने लायक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं, बस वीडियो बने रहें और वीडियो कोशिश करें कि पूरी देखें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप भी आने वाले हैं यहाँ पे और सारे रास्ते सारा सब कुछ बताया जाएगा वीडियो के माध्यम से आपको। आप नेपाल कैसे पहुँचेंगे, कितने किराए में पहुँचेंगे, यहाँ पे रूम रेंट क्या है, यहाँ की लोकल मार्केट क्या है, यहाँ की लोगों का कल्चर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी इस वीडियो में दोस्तों। बस बने रहे वीडियो में और बस आनंद लेते रहिए घर बैठ के दोस्तों। दोस्तों होटल से बाहर निकलते हैं और देखते हैं क्या क्या हो रहा बाहर। तो देखिए, आहा, ओहो, ये क्या है, अरे वाह, बड़ बदबू आ रही है। देखो दोस्तों, मछलियां हर प्रकार की मिल जाती हैं आपको यहाँ पे। ये पहली बार नेपाल में ये सूखी मछली देखने को मिल रही है। अरे बहुत पहले से इधर पैसा आता है, पहली बार कैसे? क्या बोले आप? बहुत पहले से मिलता है। बहुत पहले से बेचते हैं? आप कहाँ के, यहाँ के दिन लग रहे? नहीं, इंडिया। बिहार के हो? इंडिया। बिहार से? अरे वाह, एक बिहारी भाई मिल गया भाई। तो ये मच्छी, तो मच्छी बेच रहे हैं यार, ये खाने वाली होती है, खाते हैं? और कैसी होती है यार? अच्छा होता है। अच्छा होता है। तो दोस्तों ये देखो, बिहारी भाई अपना इंडिया का भाई है और मिल गया है, मस्त मजा आ गया। और देखो मच्छी है यहाँ पे, टन 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 मिल गया, सामने देखते क्या है। तो इधर बेच रहे भाई साहब मशरूम, अरे वाह, मशरूम कै रुपये किलो दा इधर? 360। और यहाँ पे लोग फूल भी बेच रहे हैं, भगवान को चढ़ाते होंगे। और ये मार्केट लगी हुई है, देखते हैं। ये देखिए कपड़ों की दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं, समय हो चुका है 9। और भाई साहब यहाँ पे बैठे हैं, देखो कितने मोटे भाई साहब, नींद आ रही है उनको अभी। और ये देखो दोस्तों, तो यहाँ की मार्केट तो सज चुकी है, यहाँ पे अंडे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं सुबह सुबह। ये देखिए, ये है अदरक, शकरकंदी, पिंडालू, पता नहीं ना जाने किस हिसाब से ढेरियाँ बना के बेचते हैं। और ये यहाँ का तराजू है, तराजू नहीं होता, बस ऐसे ही बेचते हैं। इधर अंडे की दुकानें भी मिल जाती हैं आपको, अंडे करी कलर के मिलते हैं आपको। ये फूल मंदिर में चढ़ाने के लिए, ये काय का अंडा है? बट्टई। क्या जी? बट्टई। बट्टई? हाँ। वो क्या होता है? सेम किसका अंडा होता है, खाते हैं इसको? कबूतर का? कबूतर का नहीं। देखो दोस्तों, ये पूजा का सामान है, ये पूजा का सामान है ना, पूजा का सामान। इसका नाम बगेरी, बगेरी फगेरी। ये इसका नाम है बगेरी फगेरी? बगेरी अंडा है वो। अच्छा, बगेरी अंडा। कितना छोटा सा अंडा है, कितने का? एक है? एक कितने का आता है? 15 रुपए का। बड़ा पौष्टिक वाला। और ये बड़ा वाला? बड़ा वाला 16 रुपए। 16 रुपए? हाँ, इतना महंगा होता है? महंगा जाना।
देखो ये 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 अंडा इधर, ये छोटा है और ये सफेद वाला, सफेद वाला ये कितने का है? ये 40 का एक। ये महंगा होता है आपके उधर? हमारे उधर ये वाला महंगा होता है, ये वाला। ये हंस का है, ये मुर्गी का है, मुर्गी। ये हंस का है, हंस का होता है? ये मुर्गी है, सफेद मुर्गी। नहीं नहीं, ये मुर्गी है, मुर्गी थकता रही है। है ना हंस? नहीं क्या, क्रैक क्रैक कर रहा है। हां बतख 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 बतख। ये क्रैक क्रैक कर रहा हूं दादा, उसको हमारे यहाँ बतख बोलते हैं, बतख का। ओके थैंक यू। दोस्तों आपको सुबह सुबह नेपाल में ऐसे देखने को मिलता है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। यहाँ सब्जियाँ मिल जाती हैं आपको, दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या सब्जियाँ मिलती हैं। सब्जी तो सेम वही है, ये है मूली, रेड मूली, और ये परमल, 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 धनिया, धनिया, राया, ये मार्केट। दोस्तों जैसे अपने इंडिया में सब्जियां होती हैं, सेम वैसी सब्जियां हैं, और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या सब्जी हैं। ये सलगम है, सलगम, वाह इतना बड़ा तराजू, अच्छा है तराजू, बढ़िया। ये देखिए पैनकेक, ये क्या है? अरे वाह, पैनकेक विद हनी फ्राई, पैनकेक विद हनी, ये क्या चीज है? गॉड हां, जिसको जुमी भक्तपुर में कहता है, बोलता है जुजू दाओ। हां जुजू दाओ, दाओ मींस किंग ऑफ गॉड। हां जुजू मींस किंग दोस्तों, हमारी लैंग्वेज। वाह अंडा भी है इसमें तो यार, क्या यार नाश्ते में आपने हमारा इच्छा पूरा कर दिया दादा, मजा आ गया, क्या बात है, आनंद ही आनंद आ गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम ले जा रहे हैं आपको कहाँ पे, कहाँ गए सागर भैया? पोटरी स्क्वायर है दोस्तों, आप देख, आप घूमने जा रहे हैं पोटरी स्क्वायर, और वहाँ पे घुमाने के बाद काफ़ी सारी जगह यहाँ पे ऐसी है जहाँ पे आपको घुमाया जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं मिट्टी के बर्तन, ये देखिए यहाँ पे गुल्लक जो होते हैं वो सूख रहे हैं धूप में, अभी ये काले हैं, फिर इन पे होगा पेंट। और ये है यहाँ की मार्केट, ये देखिए आप, तो आप पूरा मजा ले रहे हैं सेम नेपाल का। ये देखिए दोस्तों अच्छी अच्छी मूर्तियां यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ये देखिए आप, चीपर प्राइस है, चीपर प्राइस, हाँ लेंगे लेंगे बाद में। आप क्या कर रहे हैं? पेंट, ये देखिए दाई पेंट कर रहा है, बहुत सस्ता है, ऑल विल मेक आवर सेल्फ, नॉट सो एक्सपेंसिव, टेक अ लुक, अभी नहीं बाद में। ये देखिए वी स्टे फॉर 2-3 डेज, दिस इज आवर फर्स्ट डे। ये देखिए आप, वो कार्ड होल्डर है, बहुत सस्ता है, सब जगह पर ये रखना चाहिए, बहुत सस्ता है,
बहुत सस्ता है। दोस्तों यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी दुकानें मिल जाती हैं जो कि मिट्टी की बनी हुई सारी चीजें होती हैं। और नजदीक से दिखाते हैं आपको, ये हाथी है, हाथी घोड़ा, ये बुद्ध जी बैठे हैं इधर। ये देखो इधर क्या है, ये क्या बनते हैं पोटरी। अच्छा इधर ही पोटरी ट्रेनिंग। अभी ये काले होते हैं पहले, ये देखिए इन पे, इन पे कलर हो रहा है, ये देखिए इन पे पहले ब्लैक कलर होगा उसके बाद फिर दूसरा कलर होगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ की काली मिट्टी होती है। हमारे यहाँ कुमार बोलते हैं, यहाँ पर पता नहीं क्या बोलते हैं, इधर भी कुमारी बोलते हैं, इधर भी कुमारी बोलते हैं। अच्छा अच्छा ओके थैंक यू दादा। ये मिट्टी दूसरा है, काली वाली है, काला भी है और खैरा दो थारी, दो थारी का है, दो थारी का। हाँ अच्छा दोस्तों आप देख रहे हैं ये डिजाइन हो रही है यहाँ पे। अच्छा गुल्लक दादा बना रहे हैं, गुल्लक। ये देखिए दोस्तों जब ये जो ये कुल्लड़ जो मिट्टी के सामान है जब ये बन जाते हैं तो उसके बाद इस दरवाजे के अंदर रखते हैं। ये है एक छोटा सा दरवाजा और इसी के अंदर रखते हैं और फिर जलती है इन छेदों से आग। दोस्तों यहाँ पे बकरी की बलि हो रही है। आहा आप जो ये यहाँ पे ढोल बज रहा है, ये जो संगीत बज रहा है, यहाँ पे बकरे की बलि चढ़ा रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में ये यहाँ पे बज रहा है। ये जो दोस्तों हमने बकरा लंबा कर दिया, दोस्तों ये घुमाते हैं आपको यहाँ की गलियों में और बड़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ये देखिए और ये यहाँ पे बैठने के लिए बनाई हुई जगह है जहाँ पे कि लोग यहाँ पे बैठ के आराम करते हैं। ये देखिए यहाँ पे बैठने की जगह है, यहाँ पे बैठ के पुराने बुजुर्ग लोग आराम से धूप सेकते हैं। धूप सेक रहे हैं, धूप नहीं नहीं क्या पूछेंगे, पता ही नहीं क्या पूछेंगे उनसे। दोस्तों इन गलियों में अच्छी खासी दुकानें आपको देखने को मिल जाती हैं और टूरिस्ट भी हल्का फुल्का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों आपको यहाँ पे खूबसूरत पेंटिंग भी दिखाई देती है। दोस्तों देखिए ये हाथ की पेंटिंग है, कितनी खूबसूरत है, यहाँ पे देखने को मिलती है।
की पेंटिंग है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये कपड़े के ऊपर देखिए डिजाइन। नेपाली भी सुनना चाहेंगे हम, ठीक है, नेपाली लिरिक्स। सागर भाई ये दूसरा स्क्वायर है ये देखिए दोस्तों, ये दूसरा स्क्वायर है और ये राजाओं को तो है। अच्छा ये देखिए आप, यार इसके ऊपर चढ़ने देते होंगे क्या, कितना बड़ा है। देखिए ये मार्केट है यहाँ की, और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देती हैं जो कि महाराजाओं के टाइम की है। साइड 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 क्या है, ये ट्रक आ रहा था इसके लिए शायद। दोस्तों मैं घुमाने ले जा रहा हूँ आपको दत्ता स्क्वायर, दत्त भगवान दत्तात्रेय। काफी लोकल लोग और टूरिस्ट भी यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। क्या है, बम है, टाइगर बम। Take it from.
ये देखिए दोस्तों, ये है दत्तात्रेय स्क्वायर, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है और आप यहाँ का लुत्फ और आनंद उठा सकते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है, यहाँ पे काफ़ी सारी फिल्में शूट हुई हैं और काफ़ी सारी होती भी हैं। इसी में क्या बर्मा बर्मा विष्णु शिवाय, हरी बर्मा विष्णु शिवाय। दोस्तों सागर भाई और कैलाश आज निकल रहे हैं इंडिया के लिए और मुझे तो यहीं पर रुकना होगा क्योंकि मुझे काफ़ी सारी काम है यहाँ पे। तो भाई लोगों के पास छुट्टियाँ ख़त्म और बस मैं ही रहूँगा यहाँ पे और आप लोगों को घुमाया जाएगा बिल्कुल एक एक चीज़ें यहाँ पे। अभी तक हम लोग थोड़े से कन्फ्यूजन थे, काफ़ी सारे लोग थे तो इतने बन नहीं पा रहे थे ठीक से वीडियो। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो अब आने वाली है। चलो अरे अरे दादा अरे नहीं यार रो मत प्लीज यार, अरे अरे यार नहीं यार। तो दोस्तों ये लोग निकल रहे हैं और मुझे यहाँ पे रहना होगा, ये कैलाश भाई भी अंदर छुपे हुए हैं। अरे उसको तो ले जाओ यार, अच्छा ठीक है मैं तेरे को फोन करूंगा तब किसी को कर देना पैसे ना। हाँ हाँ रुक रहे यार, मैं तो मुझे तो मैं दो तीन दिन रुकना है अभी। ठीक है सागर भाई, ओके चलते हैं। मजा आया, ओके भाई कैलाश। दोस्तों ये लोग निकल रहे हैं, दोस्त लोग निकल चुके हैं इंडिया के लिए और मैं यहाँ पे रह चुका हूँ। थोड़े से दो कपड़े गंदे हो रखे हैं वो धो लेते हैं और मैं रूम भी चेंज कर चुका हूँ तो आपको दिखाता हूँ अपना रूम। दोस्तों ये देखिए, थोड़ा सा आपको अनुभव हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये रूम है और इसका जो प्राइस, आजकल सीजन कम है नहीं तो यहाँ 2500-2500 से नीचे कोई रूम मिलता नहीं। रूम अच्छा है, देख पा रहे होंगे। और इसका जो प्राइस है वो है, और जो दोस्तों मुझे मिला है ये मिला है 1500 रुपये का, तो अच्छा है 1500 में बेस्ट है, अच्छा रूम है। दोस्तों मैं ले जा रहा हूँ आपको छत पे, यहाँ पे बाल्टी रखी हुई है वहीं पे कपड़े धो के डाल दूंगा, अच्छी खासी धूप आ रखी है नहीं तो कपड़ों की बड़ी समस्या होती है यहाँ पे। तो नल कहाँ पे है दोस्तों, सबसे पहले निपटा लेता हूँ, दो चार जोड़ी कपड़े हैं उनको धो लेता हूँ और यहाँ पे आ रहा है गर्म पानी, तो गर्म पानी का फुल मजा लेते हैं। बस कपड़े मैंने भिगो दिए हैं, थोड़ी देर में धोके डाल देता हूँ छत पे, शाम तक सूख जाएंगे, हो जाएगा अपना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा।
दोस्तों आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो थैंक यू सो मच आप लोगों का दिल से, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, और आप नए हैं तो आपका वेलकम है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो आप नेपाल की देख सकें। दोस्तों रात के बज चुके हैं 1 और मेरी वीडियो जो एडिट करने का काम था वो ख़त्म हो चुका है, और हल्का सा फीवर और जुकाम भी लगा हुआ है। तो कल फिर सुबह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, और प्लीज़ कमेंट करें कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है नेपाल की, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि दोस्तों मुझे तभी ताकत मिलेगी जब आप लोग मेरे से बात करेंगे। प्लीज़ तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो नेपाल की लेके आ रहा हूँ दोस्तों। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, और मिलते हैं कल सुबह 1 नई सुबह के साथ में। थैंक यू सो मच।